चलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इसका लाइट क्रीम के बारे में, जो कि एक हेल्थ केयर ग्लोबैक्स कंपनी की है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्रीम है आपके फेस के लिए। यदि आपके फेस में इसने शूट किया, आपके स्किन को प्रोटेक्ट किया, तो आपके लिए ये अच्छी है। और क्रीम यूज़ करने से पहले इसके साइड इफ़ेक्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्रीम हम चाहे कोई भी यूज़ करें, या फिर किसी कंपनी की यूज़ करें, या फिर क्रीम अदरवाइज कोई भी ले लो, तो सबसे पहले क्रीम के हमें साइड इफ़ेक्ट पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें क्रीम के साइड इफ़ेक्ट पता है, तभी हम क्रीम को यूज़ करें, तभी हमारे लिए बेटर रहता है। अगर यदि हमें क्रीम के बारे में पता नहीं होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता नहीं होता है, तो ये हमारी स्किन के लिए नुकसान ही होगा। जैसे कि हम मान लीजिए आपके फेस में कोई भी दिक्कत है, आप क्रीम लगाने के बाद में जैसे कि रेड हो जाना, जलन सी होना, पिंपल्स का और ज़्यादा बढ़ के निकलना, और ज़्यादा जगह जगह जख्म से महसूस होना, और जगह जगह पानी भी लगना, और अब कभी भी आप फेस को अपने डटके से थोड़ा रगड़ ले लो तो उसमें छिल जाना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके मेन इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको हर एक के फेस में देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले क्रीम का यूज़ करने का तरीका आपको अगर पता है, तो क्रीम आप अच्छे से यूज़ करके अपने फेस में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको क्रीम जो है यूज़ करने का तरीका आपको पता नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली बात होगी। जैसे कि क्रीम हमें किस टाइम लगाना है, कब यूज़ करना है और कब हमें लगाना है। जैसे कि क्रीम को हमें लगाना किस टाइम है, जैसे कि क्रीम को केवल हमें नाइट में यूज़ करना है, दिन में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और ज़्यादातर क्रीमों में यही साफ साफ लिखा हुआ होता है कि क्रीम को केवल नाइट में ही यूज़ करें, फेस वॉश करने के बाद नाइट में क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई करें और उसके तत्पश्चात रहने दें, और मॉर्निंग में जब आप उठें तो सबसे पहले अपने फेस को नॉर्मल ताज़ा पानी से ही वॉश करें, साबुन का यूज़ ना करें, जिससे कि आपके फेस में कोई भी दिक्कत ना हो। और आप एक दो घंटे बाद अपने फेस को साबुन से वॉश कर सकते हैं। पहले आप नॉर्मल और सादा पानी से ही अपने फेस को वॉश करें। और इसमें जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्विनोन और ट्राइटेनियम ओमेंटेशन फोरेट, ये बहुत ही मेन और बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी कॉम्बिनेशन है, जो ज़्यादातर हर एक क्रीम के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। जो क्रीम बनी होती हैं वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती हैं, जो हर एक किसी के लिए लाभदायक होता है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता रहूँगा इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और क्रीम के लाभ के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इतने के उनके साथ